गम्हरिया ज्वेलरी लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। बिहार के चार अपराधियों को किया गिरफ्तार, भेजे गए सलाखों के पीछे। बोले एसपी एसआईटी में शामिल सभी अधिकारियों को किया जाएगा पुरस्कृत। सरायकेला पुलिस ने बीते 6 अगस्त को गम्हरिया लाल बिल्डिंग स्थित ईश्वर लाल ज्वेलर्स में हुए लूटकांड मामले का उद्भेदन करते हुए चार अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम आशीष कुमार सिंह, रूपेश झा उर्फ गोलू झा, अनुज कुमार झा एवं पिंटू कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास एक सोने का चेन, 2 सोने की अंगूठी, घटना में प्रयुक्त 7.62 mm की एक पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, सोना वजन करने वाली मशीन, 50,000 नगद, मैगजीन, 5 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, हेलमेट, जूते, चप्पल वगैरह बरामद किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि घटना के बाद से ही लगातार एसआईटी में शामिल अधिकारी सभी तकनीकी साक्ष्यों एवं गुप्तचरों के सहयोग से ये सफलता हाथ लगी है। सभी प्रोफेशनल अपराधी हैं, सभी बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने टीम में शामिल 20 अधिकारियों को अपने स्तर से इनाम देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह बेहद ही चुनौतियों भरा अनुसंधान था। इस पूरे मामले का डीआईजी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सभी अपराधियों को रिमांड पर लिया जाएगा। अभी इसमें और भी अपराधियों के शामिल होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, वायरल बिहार, झारखंड। 6 अगस्त में घटना हुई थी जो ईश्वर लाल ज्वेलर्स यहाँ पे जो है वो लूट की वारदात हुई थी। 10:30 से 11 के बीच में ये वारदात हुई थी और उस समय जो ये जो अपराध कर्मी थे उनके द्वारा डीवीआर भी, सीसीटीवी का डीवीआर भी यहाँ से ले जाया गया था। साथ ही साथ इनका जो मॉडस था कि जो इन्होंने बाइक यूज़ किया था तो वो 3 बार इन्होंने कपड़ा भी बदला था, इस और विंडचीटर वगैरह पहना था। इसमें जो भी है एक एसआईटी का गठन किया गया था और इसमें जो है वो वरीय पदाधिकारी के निर्देश में भी और मेरे क्लोज सुपरविजन में जो एक टीम हम लोगों ने बनाया था जिसको एसडीपीओ सरायकेला लीड कर रहे थे और इसमें काफ़ी सारे ऑफिसर्स की टीम, एक हमने 20 लोगों की टीम इसमें पूरी लगाई थी जिसमें कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी थे। और ये काफ़ी जिस तरह से अपराध कर्मियों ने घटना को अंजाम दिया था जिसमें कि वो बार बार जो है वो चीज़ें बदल रहे थे और किस तरह से यहाँ से वो निकले और कैसे 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 ये बिहार तक पहुँचे, बिहार तक गए, तो ये हमारी टीम ने जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया। और इसमें जो भी अपराध कर्मी हैं उसमें से 4 अपराध कर्मियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक आशीष कुमार सिंह है जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और इसके इनके पास से जो है इनका इसका जो है वो पूर्व का इस अपराध कर्मी का रहा है कि यह लूट पहले भी किया है 2017 में, 2019 में इसने आर्म्स एक्ट में भी ये जेल गया था। इसके बाद एक अपराध कर्मी है रूपेश झा उर्फ गोलू झा, जिसको हमारी एसआईटी की टीम ने समस्तीपुर से गिरफ्तार किया है और ये पहले भी मुजफ्फरपुर थाना से जो है वो लूट कांड में ये पहले भी शामिल रहे। इसके बाद एक अनुज कुमार झा है, ये 24 साल का रहने वाला है, ये आपको वैशाली बिहार का, ये भी लूट कांड में 2017 में जेल जा चुका है। एक पिंटू कुमार है जो वैशाली बिहार का है और ये भी कुछ कांडों में आरोप पत्रित है और इसके बारे में जो भी है सारे चारों अपराध कर्मी के बारे में हम लोग जो है विस्तृत रूप से और भी इनके जो भी मॉडस रहे हैं, कौन सा आपराधिक इतिहास और है, इस पर भी अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अभी जो हम लोग इस कांड के बाद जो बरामद किए हैं जो आपके सामने में आप देखे होंगे, तो इसमें सोने का चेन बरामद हुआ है, सोने की अंगूठी 2 बरामद हुई है। इसमें जो पिस्टल यूज़ किया गया था 7.62 का, वो एक पिस्टल, 9 जिंदा गोली, 50,000 अमाउंट इन लोगों के पास से बरामद हुआ है, 2 मैगजीन बरामद हुआ है, 1 देसी कट्टा भी इनके पास से बरामद हुआ है और 2 जिंदा गोली बरामद हुई है, सोना वजन करने वाली एक मशीन बरामद हुई है, घटना में जो मोटरसाइकिल यूज़ किया गया था वो बरामद हुई है, जो इन्होंने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया था वो बरामद हुआ है, जो हेलमेट पहन के इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था जिसका सीसीटीवी फुटेज हमारे पास मौजूद है वो बरामद हुआ है, जिस जूता को पहन के इन्होंने घटना को अंजाम दिया था वो जूता सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है, वो जूता हम लोगों ने बरामद किया है। बाद में इन्होंने चप्पल पहन करके भी उस मॉडस को चेंज किया, 3 बार जब उन्होंने अपना बदला है उसमें जूता के बाद वो चप्पल पहन करके आगे बढ़ा है, वो चप्पल भी बरामद किया गया है।
जो उन लोग कपड़ा पहने हैं उस कपड़े को भी इस टीम ने बरामद किया गया है। कुल मिलाकर के हमारी SIT टीम ने अभी तक जो भी रिकवरी किया है, इसके अलावे भी जो अभियुक्त इसमें हैं और क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, हम लोग इनको रिमांड में लेकर के रिक्वेस्ट करेंगे माननीय न्यायालय से, और रिमांड में लेकर के आगे भी जो भी रिकवरी कराई जा सकती है उस पर हम लोग इस पर लगे हुए हैं। हमारी टीम में कुल 20 मेंबर्स हैं और सभी को जो है मेरे द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। और इसमें चूंकि DIG सर के द्वारा रिव्यू भी किया गया था, मार्गदर्शन लगातार मिला है वरीय पदाधिकारियों का, और आज के डेट में ये जो कांड थी, कांड का उद्भेदन हो चुका है और जो भी अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी इसमें हम लोग सजा मिले इसका जो है वो भी प्रावधान करेंगे कि इस केस को हम स्पीडी ट्रायल में ले जाएं। और वैसे सभी अभियुक्तों के लिए जो इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहते हैं, चाहे वो 4 बार बदल लें या 3 बार कपड़ा बदल लें या वो हेलमेट पहन लें, अगर वो अपराध करते हैं तो पुलिस जो है पाताल में भी जाके उनको खोज के निकालेगी। रोड के भी कन्फेशन में चीज़ें आ रही हैं, उसके हिसाब से अभी 4 लोग आए हैं, एक और व्यक्ति की अभी संलिप्तता की बात हमारे सामने आ रही है और हम लोग बहुत जल्द ही उसके पास तक भी पहुंच जाएंगे। कनेक्शन नहीं है ये जो, ये चूंकि जो ये जो पूर्व में भी ये लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं, अब इसमें ये हमें इन्वेस्टिगेशन का विषय आगे जांच का कि इन्होंने लूट की घटनाएं कहाँ कहाँ की है, बिहार में की है या झारखंड में की है, और झारखंड में की है तो जमशेदपुर या सरायकेला में कहीं की है क्या, ये सभी अनुसंधान का विषय है। और इस पर भी हम लोग इनके पूरे आपराधिक इतिहास को इनको खंगाल करके और इस पर जो है उसको हम लोग उसको सभी को केस डायरी में लाने का काम करें। CCTV वो नहीं आ पाया है, वो तो हो सकता है कि कहीं उसने उसको मिसप्लेस कर दिया हो, पर चूंकि हम रिमांड में लेंगे तो ये संभावनाएं अभी हैं जीवित कि हम जो चीज़ें छूटी हुई है उन सभी चीज़ों की बरामदगी कर, नहीं अभी ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, चूंकि जो भी चीज़ें हैं उसकी बरामदगी के लिए और भी हम प्रयास कर रहे हैं।